और ये देखिए अभिषेक से मिलने आए हैं मिथपैट जी। पहली बार अभिषेक को भी फील हो रहा होगा कि भाई मुझसे भी ऊंचा कोई है। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि हमें हमेशा उस सरल इंसान को ऐसे देखता था, पहली बार किसी को ऐसे इसकी हाइट बढ़ गई है। मैं तो वही बोल रहा था, बिग बॉस के बाद हाइट बढ़ गई। मैं भी आऊं साथ में? बातचीत बातचीत कैडी अपनी बातचीत साथ सिर्फ खास सारे लौंडे हैं फैंटास्टिक हार्ड हिट बार सिक्स खेलू जैसे हार्दिक क्लासिक गाने अपने फोड़े सीधा मार्केट और फैन फेस्ट में जाने की तैयारी में। ट्रिगू भाई एकदम रईस लड़के दिख रहे हैं, टिम हॉर्टन्स की कॉफी पी रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। एक्चुअली कॉफी मैंने इसलिए थोड़ी ना पिया कि कॉफी पीने का मन कर रहा था, तो स्टाइल अच्छा लगता ना एयरपोर्ट में पकड़ के चलने में, स्वैग आता है। और मैं सोच रहा था कि मैं ये इतना बढ़िया सा बैग लेके घूम रहा हूँ, पर इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं ये इतनी महंगी महंगी कॉफी पी सकूँ, मैं CCD अफोर्ड कर सकता हूँ। और ये लड़का इससे पहले एक बार बुलाया था देखो ऑनलाइन वाले में, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि इसको बुलाया नहीं कभी YTFF में, ये भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम जा रहा है। बट ऑफलाइन तो तेरा भी फर्स्ट टाइम है ना? चलो ऑफलाइन दोनों का फर्स्ट टाइम है, तो इट्स ओके, वी आर रेडी, मजा आएगा। हम निश्चय के होटल में आ गए हैं। निश्चय का होटल मैंने खरीद रखा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होटल। ये होटल का मैं मालिक हूँ। यस, इसने आज से 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था, और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली एक छोटी सी झोपड़ी थी इस होटल के साइड में। फिर उस प्रॉपर्टी को तोड़ के, फिर उसको तोड़ के एक होटल बना दिया। अब वो ये होटल है और वो मेरा है। हाँ, और ये 1000 करोड़ का मालिक है, बस पेपर इसके नाम पे नहीं है। 1000 करोड़ इसके पास, इसके अंदर कोई कमरा भी नहीं है। कितने का होगा? 10,000 करोड़ का। इतना महंगा? 50 तो फ्लोर है, तो आराम से 10,000 करोड़। अरे तू जेब से अभी चिल्लर फैक निकल जाएगा, घर लेगा। अरे मेरे साथ फुकरा इंसान खड़ा है। अलविदा, मुंबई पहुँचा है, होटल पहुँचा है, और अब फिर निकल रहा है भाई की कमरे में। गया भी नहीं है ये बंदा, कमरे में पहुंचने से पहले ही बंदा फिर निकल गया, क्योंकि मीटिंग है इस बंदे की वजह से। भाई यही होता है जब आप ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो ना, मीटिंग में ऊपर मीटिंग है। अरे इंसान हो क्या हो, उसको होटल रूम में चेक इन तक नहीं करने दिया भाई, गेट से लेके जा रहे हैं कि मीटिंग है। बहुत पॉपुलर हो गया भाई तू। मीटिंग करते हैं, काम करने के वक्त हम कहते हैं हम सिर्फ YouTube वीडियोस बनाएंगे। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है तू। अच्छा चलो चलता हूँ, बाय गाइस। ये iPhone 15 तो मेरे को दे दे। अरे यार चलो चलो लेट्स गो। ओहो हो, ये है हमारी आज की गाड़ी। वाह जी वाह, रोज नई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है ये? मर्सिडीज बेंज की, मर्सिडीज GLB। ओ माय गॉड, फर्स्ट एवर बी सीरीज। कितने करोड़ की है? नहीं फर्स्ट नहीं, मतलब इज द न्यूएस्ट। अरे करोड़ में नहीं है, लाख लाख में। अरे यार करोड़ वाली गाड़ी लग रहा है। अब हम जा रहे हैं एक स्पेशल मीटिंग में, बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे, क्योंकि जब हम बता देते ना तो हमें बड़ी डांट पड़ती है कि तुमने बता क्यों दिया कौन सी मीटिंग में जा रहे हो। तो इट इज अ वेरी सीक्रेटिव मीटिंग, बट चलो चलते हैं, लेट्स गो। मीनवाइल हेलो गाइस, अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया है। आप देख सकते हो YouTube वालों ने बहुत ही अच्छा कमरा दिया है, काफी बड़ा रूम है। अरे वाह, YouTube वालों ने अपनी खुद की कस्टमाइज, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट, हुडी, जैकेट जो भी है, नाइस। और एक लेटर भी है। डियर ट्रिगर्ड इंसान, वेलकम टू YouTube फैन फेस्ट। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज एंड टू वेलकम यू बैक ऑन द लाइव स्टेज। बैक, मेरा तो पहली बार है। दिस इज एन एक्स्ट्रा स्पेशल ईयर फॉर YouTube एज वी टर्न 15 इन इंडिया। ओहो, YouTube इंडिया के 15 साल हो गए हैं और उसके फैन फेस्ट पे हमको बुलाया गया है, क्या बात है। थैंक यू सो मच YouTube। अरे और भी चीजें हैं यार, YouTube वाले तो बड़े ही मस्त मस्त चीजें भेजे हैं। ये फैनी पैक कोना है और एक बहुत ही क्यूट सी वाटर बॉटल भी है, इसको डाल लेता हूँ। वेल हेलो, एक्सक्यूज मी, हु इज देयर? खाने के लिए गुड़ मेवा लड्डू भी पड़ा है यहाँ पे, तो आइए गाइस अब हम टेस्ट करेंगे गुड़ लड्डू मेवा का। मेवा लड्डू दिखने में तो ये बिल्कुल गोल है, एक्चुअली अच्छा है, एक्चुअली बहुत यम्मी है। तो बहुत टेस्टी है, मजा से अच्छा। तो थैंक यू टू यूट्यूब एंड थैंक यू टू वेस्टर्न होटल जिन्होंने इतना कुछ अच्छा अच्छा सामान दिया, वेलकम किया।
और ये क्यूट सी YouTube की कस्टमाइज्ड जैकेट भी दी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कुछ नहीं है करने को आज के दिन, वैसे भी कुछ नहीं है। कल के दिन YouTube फैन फेस्ट की रिहर्सल है और परसों के दिन YouTube फैन फेस्ट होना है, तो आज का दिन जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है, एकदम कुछ भी नहीं है करने को। तो बोर हो रहा हूँ इसलिए सो रहा हूँ फ्रेंड्स। मुझे ऐसे बोलना बंद कर देना चाहिए अब। Next morning. Right guys, तो हम पहुंच चुके हैं फैन फेस्ट के सेट पर, जहां पर अपनी फोटो भी लगे ली है। कैसा लग रहा है? ये रॉकस्टार परफॉर्मेंस तो ले नहीं रहे, पर मेरी फोटो तो वो लगा दी। कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? कुछ तो कर ही रहा है, पता नहीं क्या कर रहा। कुछ तो कर ही रहा है। ये ग्रीट वैसे कल होना था लेकिन आज ही हो रहा है, आज ही हो गया है मीट एंड ग्रीट। ये व्लॉग ही तो हो रहा है जो आप देख सकते हैं ओनली ऑन टिम्पल मल्हान व्लॉग्स। और अब हम चलते हैं अंदर फैन फेस्ट के सेट पे। आ रहा है तू? ओए होए 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 भाई भाई भाई, ये हमारी मैनेजर जी हैं। वैसे इससे पहले कि तुम ये पूछो भाई हु इज द गाय इन ग्रीन ड्रेस, मैनेजर है वो हमारी। ओके तो ये यहाँ पे होने वाला है फैन फेस्ट। ये क्या था? ये शक्तिमान। मेरे को लगा रोनाल्डो वाला सू कर रहा था। ओ देखो कौन आया भाई। ओ मैनेजर साहब भी आ गए। गैंगस्टर टीम आ गई, गैंगस्टर टीम। इधर से एंट्री है। व्हाट्स अप? बहुत टाइम बाद मिला भाई, कैसा है? है भाई बहुत बढ़िया। दाढ़ी आ गई वापस यार, हर दूसरे दिन आ जाती है। तो फाइनली अब हम आ गए हमारे ग्रीन रूम में और यहाँ पर ऐसे ग्रीन रूम तो वाइट है। ओहो हो हो, वाओ क्या डायलॉग मारा निश्चय यार। फनी हो है, बहुत फनी हो। आज होना क्या है? है आज होना क्या है? आज प्रैक्टिस है। किस चीज की? रिहर्सल कल की। कल सीधा स्टेज पे थोड़ी ना तेरे को भेज देंगे कि भाई जाओ कुछ भी कुछ। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब कोई गाने वाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं या क्या, मतलब किस चीज के लिए हम? वो तो प्रोबेबली जब तक ये वीडियो जाएगी या फिर देख ही लेंगे लोग कि हम स्टेज पे कितना बढ़िया डांस करेंगे। ओ हो 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 हो। और ये मैनेजर्स क्या, ये क्या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? एफसी चार्जर ऑर्डर कर रहे हैं। वाह जी वाह। जिंदगी पे वो कर रहे हैं ये इंट्रोस्पेक्ट। ऐसा मस्त फ्रेम लग रहा है ये इस वक्त, ऐसा लग रहा है यहाँ पर निश्चय बैठा हुआ पॉडकास्ट देने। देखो जिंदगी में ऐसा होता है। अंकित ले देखो माइक नहीं है तो सुनो। हो गया थैंक्स। और ये देखिए अभिषेक से मिलने आए हैं मिथ पैट जी। पहली बार अभिषेक को भी फील हो रहा होगा कि भाई मुझसे भी ऊंचा कोई है। एक्चुअल में बता रहा हूँ कि हमें हमेशा उस इंसान को ऐसे देखता था, पहली बार किस वजह से इसकी हाइट बढ़ गई है। मैं इसको वही बोल रहा था बिग बॉस के बाद हाइट बढ़ गई। मैं भी आऊं साथ में? तो हम आ गए हैं फैन फेस्ट के रिहर्सल वाले एरिया में, जहाँ पे अभी जो है प्रैक्टिस होने वाली है हमारी थोड़ी देर में। फोटोज वगैरह क्लिक हुई हैं अभी हमारी सारे सोशल वगैरह के लिए। यार तू क्या कर रहा है? It's my way, harsh guy way. ऐसे थोड़ी होता है। तू आता माजी शटकली, माजे संभव नहीं है इधर, माजे नाम है माजी नाम सिंह। अरे बाप! अभी तू लेके जो आत्मा ना, मैं तू लगा नहर पर नहीं है। अरे बाप रे! कसम से, एक तो वैसे इतना ऊंचा, ऊपर से और तेज के ऊपर चढ़ा हुआ है, डरा दिया भाई। अभिषेक, कैमरा वहाँ पे है, किधर देख रहे हो? सलमान भाई का है। अरे क्या बात कर रहा है, सलमान भाई की हाइट इतनी लंबी है सब। ये भाई ज्यादा बेटर है, ये भाई ज्यादा बेटर है। एंड द बेटर भाई इज मैं आ जाऊं क्या? तेरे फोटो को क्या हो रहा है?
तो गाइस यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारा होने वाला है मीट एंड ग्रीट। और नोनो यार एक बात बता, तेरा मेरा बॉक्स अलग क्यों है? आधी मानव वन यूनिट नहीं है क्या? हमने भाई कपड़े भी ट्यूनिंग कर रही हुई है यार। सेम भाई सेम, हम कपड़े भी ट्यूनिंग कर रहे हैं और ये हमारे को बॉक्स अलग अलग दे रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे? सही में क्या अलग अलग मीटअप है हमारा बताओ भाई। भाई हमारा मीटअप अलग अलग कैसे है? आपका मीटअप ये भाई बहुत फेमस हो गया, तुम्हें पता है? बहुत फेमस, आपने फेमस कर दिया मेरे को। ये तो इतना फेमस है इसकी, ये पता कौन है? दुबई का शेख जी। ये गाड़ी वाला आदमी है जो हर रोज नई नई गाड़ी लेके आता है। अरे मेरी फोटो कहाँ है? सबकी फोटो लगी भाई। इसका मीट एंड ग्रीट नहीं होगा क्या? अरे आपकी सबसे बड़ी होगी। अरे देख फुकरा इंसान दो बार लगा हुआ है, देख इधर भी लगा हुआ है। मेरे को लग रहा है मेरी जगह भी तेरी लगा दी है। वो कह रहे हैं इसका मीटअप दो बार करा दो भाई, कहीं भी जा रहे हैं। अरे देख तो लो क्या मस्त एरिया बना रहा है ये देखो, मीट एंड ग्रीट के लिए एरिया है यहाँ पे, कल फैंस वगैरह आएंगे। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर बीस्ट का वेयर हाउस है? काम करो ना, अपना अलग डेट पे चले जाओ। अरे यार क्या है ना कि गेट के नाम पे कितना खुश हो गया भाई, चिकन सैंडविच खाने यहाँ पर, खाने में क्या क्या मस्त मस्त चीजें हैं, क्या मस्त तरह से इसमें चिकन है। वेजिटेरियन दो ना, हम चिकन खाते हैं, हमको वेज अलाउड नहीं है। वेजिटेबल सैंडविच YTFF में, वाओ भैया कोको भी दो। आज सारी फूड टेस्टिंग चलेगी, फिर हम देखेंगे भैया। ओनली डाइट कोक, खाना सिर्फ फ्राइड, कोक ओनली डाइट। जी वाह क्या राइमिंग बनाया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं एकदम प्रैक्टिस करने। भाई आज मैंने रेड बुल पी पहली बार, वो भी वो शुगर फ्री। शुगर फ्री अच्छी है, बहुत बुरी। रेड बुल स्टॉन्क्स, ये सोचता भी मेरे जैसा है। और इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद हम जा रहे हैं सोने। कहाँ जा रहे हैं? सोने। वाह यार क्या जोक मारा अंकित भाई, जोक तो मारे नहीं। ओह माय गॉड निश्चय आ गया फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पे। ओह वाओ क्या स्टेज है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सामने देखा इधर पूरे का पूरा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा भाई। कल नहीं होगा, पर मैं आप थोड़ा बाद में आ रहा हूँ। मैं अमित पैट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है असली बीवी और नकली बीवी दोनों एक साथ? अच्छा लग रहा है। ये देखो घर वाली बाहर वाली खेल रहे हैं। नहीं नहीं यार, आपकी घर वाली का है? मैं कमिटेड हूँ उर्मिला से। ओह माय गॉड फिर भी चिपक रहा है, कितना बेशरम है अमित पैट। शेमलेस अमित पैट पे चीटिंग का आरोप लगने वाला है बहुत जल्दी। घर वाली का है? आपने क्या रोस्ट करा है, कभी मत करना फिर से। यहाँ पर कितने लोग आने वाले वैसे, मतलब इतना बड़ा ये स्टेज, कितने लोग आएंगे? कम से कम 25,000। कितने? 20 से 25,000। इन्होंने टिकट तो 30 सेकंड में बंद कर दी थी। अरे हाँ वो तो हाँ। जब हम आ गए हैं इंटरव्यू देने और लॉलीपॉप खाते हुए, इसको मैं बोल रहा हूँ मत खा अच्छे से, खुद हाथ में पकड़ी हुई है और मुझे बोल रहा है मत खा। और मैम के साथ हम इंटरव्यू दे रहे हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया मैम, आप बताओ। बहुत मजा हमारा इंटरव्यू कहाँ आने वाला है, आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहो तो। हाय आई एम रुद्रानी एंड ये Zoom TV पे आने वाला है। इश्क़ चेचना